स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं लास्ट टॉपिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसको हम जनरल मेथड भी बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टूडेंट एग्जाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोज हैं लाइक जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है होमोजेनियस वो क्या होती है और कैसे उसका CF निकालते हैं, प्लस के बाद मैंने PI के बारे में यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ITA यहां जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले मेरे जो भी वीडियोस लाइक BSc इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सभी मेरे वीडियोस वहां पे अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो ये PI है, लाइक PI क्या निकालते हैं, जो भी सिंबॉलिक फॉर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आती, फिर अगर उसको इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे, लाइक अगर हमारे पास d माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई है तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स और जहां वाई है वहां रख देंगे c माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर यहां पे माइनस की जगह प्लस है तो यहां पे c प्लस एम एक्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। ये जो इक्वेशन लाइक d माइनस एम डी डैश, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक बराबर, यहां पे आप लिख दीजिए बराबर जीरो लिख दीजिए, है ना, सो सॉरी नॉट बराबर जीरो, इट इज एफ एक्स वाई, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं P माइनस एम क्यू एफ एफ एक्स वाई, क्योंकि D का मतलब होता है P और D डैश का मतलब होता है Q। आपको बता दूं मैं, D का मतलब होता है डेल Z बाय डेल X, तो इसको हम P से लिखते हैं, और D डैश का मतलब होता है डेल Z बाय डेल Y, इसको हम Q से लिखते हैं। स्टूडेंट ये लैग्रांजेस मेथड है और लैग्रांजेस मेथड मैंने यहाँ पे ITAB में जाके आप मेरे देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने चारपेट मेथड जो फर्स्ट ऑर्डर लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैंने सॉल्व करके बता रखा है, सो वहाँ पे देख सकते हैं। ये आता कैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी मैं एग्जाम में आपको ये बताना नहीं कि आया कहाँ से, आप सीधा अप्लाई करना है, बट मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ लैग्रांजेस मेथड होता क्या है, लाइक पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तो ये आता है डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू और डी जेड अपॉन आर होता है। सेम यहाँ पे जो कैपिटल पी की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन 1, कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ पे माइनस एम है और डी जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, लाइक इस साइड में जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वाई, राइट। सो हम यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो माइनस का एम डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी, तो या मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, है ना। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे लाइक इसको और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये एफ एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो dz इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डी एक्स ले लूंगा मैं और जहां पे y है वहां रख दूंगा c माइनस एम एक्स, तो dz इज इक्वल टू एफ एक्स ये आ जाएगा c माइनस एम एक्स डी एक्स, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये z इज इक्वल टू दिस। तो हम इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जहां पे y है वहां पे c माइनस एम एक्स इसलिए आता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, पर ये कंसेप्ट आपको लाइक समझने के लिए ठीक है, पर एग्जाम में आपको ये अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप एम स्क्वायर माइनस एम प्लस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से मैंने एम कॉमन निकाला तो एम माइनस टू, और यहां से वन कॉमन निकाला तो एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एम माइनस टू कॉमन निकालेंगे हम तो ये आएगा एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू टू एन माइनस वन, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा फाइ वन वाई प्लस टू एक्स प्लस फाइ टू वाई माइनस एक्स। नाउ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लेंगे तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करेंगे तो y माइनस वन e की पावर x, स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ये इसके फैक्टर हो रहे, तो बिल्कुल आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m है वहां d रखें और जहां पे नहीं है वहां d डैश लिख लें हम, सो इजी पड़ जाएगा उससे, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, है ना, तो आप सबसे पहले वन बाय वन लीजिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइक वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश को रहने देता हूँ, है ना। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा वाई माइनस वन
ई की पावर एक्स अपॉन डी प्लस डी डैश, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में जो भी आएगा उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास होता क्या है, लाइक जैसे यहाँ था तो वाई माइनस एम एक्स था, है ना, तो यहाँ पे डी की जगह सी रखा था और यहाँ पे हमने एक्स रखा था, क्या रखा था, सी माइनस एम एक्स, है ना, तो यहाँ पे भी हम वही रखेंगे, तो ये आएगा सी प्लस एम एक्स, है ना, यहाँ पे सी रखेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा डी डैश वहाँ पे एम एक्स रखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, ये आएगा वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और जहां पे वाया होगा वहां पे कितना रखेंगे, यहां रखेंगे सी प्लस एम एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ये समझ में आया कि नहीं आया, जहां पे वाई होगा वहां पे हम ये पुट करेंगे ना, देखो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये है तो यहां पे ये रखेंगे ना, अब यहां पे एम की वैल्यू कितनी, स्टूडेंट वन है तो ये वन आ जाएगा, है ना, बिकॉज यहां पे एम की वैल्यू कितनी है, वन है ना, तो अब देखें इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वन माइनस डी माइनस टू डी डैश, स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको वापस हम आईलेट से इंटीग्रेट करेंगे, तो सी प्लस एक्स माइनस वन, स्टूडेंट यहां पे हम वापस वाई पुट करेंगे, ध्यान रखना हमने वाई की जगह रखा है, लास्ट में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस सी प्लस एक्स, हमने क्या करा, जहां पे वाई था वहां पे क्या रखा, सी प्लस एक्स रखा, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस क्या होता है वापस डी बाई, ये आईलेट से कर रहे हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ सी प्लस एक्स माइनस वन, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, देन फाइनल पूरे का इंटीग्रेशन लाइक इस तरह से, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो स्टूडेंट ये आएगा वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश, देन ये आएगा सी प्लस एक्स माइनस वन, स्टूडेंट ई की पावर एक्स ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन वन होगा, ई की पावर एक्स को कितनी बार कर लो वापस ई की पावर एक्स ही आता है, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा वन माइनस डी माइनस टू डी डी डैश, है ना, देन आपके और ये ई की पावर माइनस एक्स और ये ई की पावर माइनस एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक एक्स है बिल्कुल ठीक, ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, तो ये आएगा आपके पास सी प्लस एक्स, है ना, यहाँ पे सी प्लस एक्स के साथ तो ई की पावर एक्स आ ही रहा है ना, और यहाँ पे सी प्लस एक्स ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स आ रहा है, देन स्टूडेंट जहाँ पर सी प्लस एक्स वापस वहाँ पे क्या रख दीजिए, आप वाई रख दीजिए, तो ये आएगा वन अपॉन डी माइनस टू डी डैश, ये आएगा आपके पास वाई ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स, है ना, या फिर काम करिए सबसे बेस्ट है, इस ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा वाई माइनस टू ई की पावर एक्स, ठीक है ना, बेटर है, इसको हम वाई रख देंगे, है ना, वाई माइनस टू ई की पावर एक्स हो जाएगा, देन इसको हम एक और बार अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ जगह नहीं, मैं इसको हटा के फिर आपको समझाता हूँ, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस स्टेप को वापस लिख देता हूँ, डी माइनस टू डी डैश, है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ y माइनस टू ई की पावर x आ गया, देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जहां y है वहां पे कितना रखेंगे, c माइनस टू एक्स, है ना, माइनस टू इंटू ई की पावर x, मैंने क्या करा, जहां y था वहां रखा c माइनस टू एक्स, ये ध्यान देने की जरूरत है, यहां c रखेंगे और यहां x रखेंगे, है ना, देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वापस इंटीग्रेशन करेंगे, तो c माइनस टू एक्स, माइनस टू को छोड़ा e की पावर x का क्या, तो e की पावर x ही होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस टू, और e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा आपके पास, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा c माइनस टू एक्स माइनस टू, और ये माइनस माइनस प्लस टू, देन ये आएगा e की पावर x, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू वापस किसके बराबर रखेंगे, y e की पावर x, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, देन फाइनल आंसर आएगा सी ए प्लस पी आई, सॉरी दिस इज z, सो z इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फाइव वन वाई प्लस टू एक्स, देन प्लस फाइव टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एग्जाम में कभी कभी ये इस तरह से पूछ लिया जाता है, और ये भी इस तरह से, लाइक दोनों एक ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए आप लोग यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस टू एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ पे m कॉमन निकालेंगे m प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस टू कॉमन निकालेंगे m प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो m प्लस थ्री कॉमन आया तो ये आएगा m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो m की वैल्यू आएगी टू एंड माइनस थ्री, सो इसका सी एफ आएगा आपके पास फाइव वन वाई प्लस टू एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस थ्री एक्स। नाउ बात करेंगे हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट, ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आएगा वाई कॉस एक्स अपॉन
डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश का स्क्वायर। पर स्टूडेंट हमने इसके फैक्टर ये किए तो इस बिल्कुल इस फैक्टर फॉर्म में हम वापस लिख सकते हैं वाई कॉस एक्स अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ डी प्लस थ्री डी डैश एंड यह आएगा डी माइनस टू डी डैश। ये ध्यान रखना है इसकी जगह डी डैश और इसकी जगह डी रखना है ना, ताकि और इजी क्वेश्चन बन जाए आपका, राइट। सो हम क्या करेंगे देखिए, अब सबसे पहले हम इसको रखेंगे डी प्लस थ्री डी डैश को बाहर रहने देते हैं है ना, और यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जहाँ पर भी वाई है वहाँ कितना रखेंगे सी माइनस टू एक्स है ना, तो वाई की जगह रखेंगे अपन सी माइनस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स है ना। तो मैंने वाई की जगह कितना रखा है यहाँ पे सी माइनस टू एक्स, यहाँ सी रखना और यहाँ एक्स रखना है, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा डी प्लस थ्री डी डैश है ना, इसको आईलेट से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट सी माइनस टू एक्स को छोड़ा है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा है ना, देन वापस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, देन वापस इंटीग्रेशन होगा है ना, देन इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा वन अपॉन डी प्लस थ्री डी डैश, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस का होगा साइन एक्स, सो सी माइनस टू एक्स ही आएगा साइन एक्स, और स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस टू है ना, तो माइनस टू तो माइनस टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस टू हो जाएगा, पर कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन और साइन का होगा वापस माइनस कॉस, तो ये अगेन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास कॉस एक्स है ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पर स्टूडेंट हम जानते हैं सी माइनस टू एक्स की जगह वापस क्या रखेंगे वाई, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये आएगा हमारे पास डी प्लस थ्री डी डैश है ना, ये आ जाएगा आपके पास वाई साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वापस हम करेंगे तो जहां पर भी वाई है वापस कितना रखेंगे वाई की जगह सी माइनस सी प्लस थ्री एक्स है ना साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स का क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, मैं आपको बता दूं मैंने y की जगह यहाँ पे कितना रखा है c प्लस थ्री एक्स रखा है, यहाँ पे c और यहाँ पे x रखेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट आईलेट लगेगा, तो c प्लस थ्री एक्स को छोड़ा इसका करेंगे तो माइनस का साइन x मैं सीधा कर रहा हूँ माइनस, इसका डिफरेंशन करेंगे तो आएगा थ्री और साइन का करेंगे तो माइनस का cos और cos का होगा वापस साइन, तो ये आएगा वापस साइन x माइनस टू और cos का होगा यहाँ पे साइन x, देन इसकी जगह हम वापस क्या रख देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस आ रहा तो ये आएगा माइनस का वाई साइन एक्स प्लस थ्री साइन एक्स और टू साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का साइन एक्स, तो फाइनल आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो वाई इज इक्वल टू सी एफ इसका आएगा हमारे पास कहाँ गया भैया सी एफ ये रह गया, सो ये आएगा चलो सी एफ प्लस पी आई, आप दोनों प्लस करके क्या लिख देना दिस इज द पी आई, राइट। ये हमारा क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, यहाँ दे रखा क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड टू कोस वाई माइनस एक्स साइन वाई। सो यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एम प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, सो इसका सी एफ होगा फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स फाइव टू वाई माइनस एक्स, राइट। सो पी आई देखिए आप पी आई में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पूरे को नीचे लेके जाएंगे तो यह आएगा टू कॉस वाई अपॉन ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यह आएगा डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, या मैं दो बार लिख देता हूँ डी प्लस डी डैश है ना, दो बार लिख दिया इसको बेटर है ना, माइनस एक्स साइन वाई, राइट। नाउ सबसे पहले हम इसको निपटते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन डी प्लस डी डैश रहने देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे जहाँ पर भी कॉस वाई है वहाँ पे रखेंगे सी प्लस एक्स माइनस एक्स साइन सी प्लस एक्स, मैंने बता दूं यहाँ पे वाई की जगह हमने रखा है सी प्लस एक्स है ना, ये इसका क्या करेंगे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन डी प्लस डी डैश है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन सी प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, इसका हम आईलेट से करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा देखिए एक्स को छोड़ा इसका करेंगे तो यह आएगा माइनस का साइन माइनस का कॉस सी प्लस एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा, देन इसको दो बार करेंगे तो वापस ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी प्लस एक्स आएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट वन अपॉन डी प्लस डी डैश है ना, जहाँ पर सी प्लस एक्स वापस वहाँ वाई रख देते हैं तो ये आएगा टू साइन वाई माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस वाई प्लस सॉरी दिस इज माइनस साइन वाई, राइट। सो ये टू साइन वाई में से साइन वाई गया तो बचा कितना यहाँ पे, मैं चलो उधर लिख देता हूँ, सो यहाँ बचेगा आपके पास बराबर वन अपॉन डी प्लस डी डैश, ये टू साइन वाई में से साइन वाई गया
तो बचा आपके पास साइन वाई प्लस एक्स कॉस वाई बचा, देन स्टूडेंट एक और बार करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, इस इंटीग्रेशन आएगा साइन सी प्लस एक्स कॉस सी प्लस एक्स आएगा इंटू यहाँ पे आएगा ये डी एक्स। स्टूडेंट हमने क्या करा है यहाँ पे, जहाँ पर y था वहाँ पे हमने रखा c प्लस एक्स, ये बाद में काम आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा cos c प्लस एक्स और देन इसका हम आईलेट लगाएंगे, तो स्टूडेंट x को छोड़ा इसका करेंगे तो sin c प्लस एक्स माइनस इसका डिफरेंशन वन होगा और इसको दो बार करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा cos c प्लस एक्स, है ना। मैं सी कभी कभी या कुछ बुक में सी देश भी लिखा हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ कांस्टेंट सी ले लिया तो सी देश तो चलेगा, है ना, आप प्लीज कांस्टेंट का देख लेना, है ना, फर्स्ट में आप सी लें तो सेकंड में आप सी देश लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट सेम नहीं है ना। सो देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माइनस में इसको सी देश ले लेता हूँ, है ना, सो दिस इज सी देश, राइट। सो यहाँ पे देखिए इसकी जगह वाई रखेंगे तो ये आएगा कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई, सो दिस कॉस वाई कैंसल तो ये आएगा आपके पास साइन वाई, देन फाइनल आंसर आएगा Z is equal to CA plus PI। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। सो ये जो पूरा टॉपिक था लाइक पार्शियल डिफरेंशियल होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियन के मैंने CF और PI के सभी रूल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें आपको समझाने वाला हूँ कि नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के CF और PI को किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो भी मैं आपके सामने लिखे आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और ये जो आने वाले समर वेकेशन हैं इनके साथ इनके इनमें मैं आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो MCQs पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उस पर बेस्ड, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं समझा चुका हूं, अब उस पर बेस्ड जो MCQs आते हैं उसको कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जिससे आप IIT JEE गेट और CSI नेट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और स्टूडेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मेरे भाइयों ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका इतना तो बनता ही है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।